नहीं देखिए ये देखना पड़ेगा कि आधी गिलास भरी है उसको देखना है कि खाली है उसको देखना है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात करेंगे तो वो खाली गिलास को देखते हैं, हम भरे गिलास को देखते हैं। हम ये समझते हैं कि हम जीरो से दो पे आए हैं, जीरो से एक से हम पाँच पे आए हैं, और उस निमित्त देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है सभी जगहों पे। जो सीट में जो बढ़त थी उसको, और जो हम लोग जिस तरह से 2019 में परफॉर्मेंस किए थे उससे बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं जनरल सीट्स पे भी, और जहां हम बहुत कम मतों से हारे थे वहां जीतने का भी काम किए हैं। तो हम समझते हैं कि अच्छी जीत हुई है, लेकिन और जब आदमी राजनीतिक दल का पदाधिकारी होता है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता होता है, वो चाहता है कि और हम बेहतर कैसे कर पाएं, और बेहतर होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। निश्चित रूप से उसकी कमी हमें भी खल रही है। आप लोग पूरे देश में अच्छी सीटें प्राप्त हुई है, क्या अन्य दलों से संपर्क किया जाएगा? नहीं देखिए सरकार बनाने की बात नहीं है। जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने तय किया था कि हम लोगों को राहत देने का काम करेंगे, तो उस निमित्त जो भी कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी, और निश्चित रूप से सभी लोगों को एक मन में बात है कि जो एक इंडिया गठबंधन बना था, लोगों ने विश्वास जताया, तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि भी विश्वास जताएंगे, और आने वाले समय में हम देखेंगे कैसे क्या हो सकता है। आज दिल्ली में जो बैठक है उसमें हमारे इंडिया गठबंधन के साथ ही तय करेंगे कि किन से सहयोग लेना है, किन से समर्थन लेना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे जो हमने जनता को वादा किया है संविधान और लोकतंत्र बचाने को उसको पूरा कैसे करना है, जो हमने 25 गारंटी जनता को दी है उसको कैसे आगे अमल में लाना है, उन सारी बातों पर चर्चा होगी। देखिए ये देखना पड़ेगा कि आधी गिलास भरी है उसको देखना है कि खाली है उसको देखना है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात करेंगे तो वो खाली गिलास को देखते हैं, हम भरे गिलास को देखते हैं। हम ये समझते हैं कि हम जीरो से दो पे आए हैं, जीरो से एक से हम पाँच पे आए हैं, और उस निमित्त देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है सभी जगहों पे। जो सीट में जो बढ़त थी उसको, और जो हम लोग जिस तरह से 2019 में परफॉर्मेंस किए थे उससे बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं जनरल सीट्स पे भी, और जहां हम बहुत कम मतों से हारे थे वहां जीतने का भी काम किए हैं। तो हम समझते हैं कि अच्छी जीत हुई है, लेकिन और जब आदमी राजनीतिक दल का पदाधिकारी होता है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता होता है, वो चाहता है कि और हम बेहतर कैसे कर पाएं, और बेहतर होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। निश्चित रूप से उसकी कमी हमें भी खल रही है। आप लोग पूरे देश में अच्छी सीटें प्राप्त हुई है, क्या अन्य दलों से संपर्क किया जाएगा? नहीं देखिए सरकार बनाने की बात नहीं है। जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने तय किया था कि हम लोगों को राहत देने का काम करेंगे, तो उस निमित्त जो भी कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी, और निश्चित रूप से सभी लोगों को एक मन में बात है कि जो एक इंडिया गठबंधन बना था, लोगों ने विश्वास जताया, तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि भी विश्वास जताएंगे, और आने वाले समय में हम देखेंगे कैसे क्या हो सकता है। आज दिल्ली में जो बैठक है उसमें हमारे इंडिया गठबंधन के साथ ही तय करेंगे कि किन से सहयोग लेना है, किन से समर्थन लेना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे जो हमने जनता को वादा किया है संविधान और लोकतंत्र बचाने को उसको पूरा कैसे करना है, जो हमने 25 गारंटी जनता को दी है उसको कैसे आगे अमल में लाना है, उन सारी बातों पर चर्चा होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।